हमारे ट्रैक्टर में बैक गियर नहीं है, ये आगे जाते हैं, पूछ लेते प्रधानमंत्री से कि नोएडा में जिस जमीन पे तू खड़ा है किसान को कम से कम इसकी जमीन का मुआवजा तो दे दे। ना ये काले कानून आते, ना किसान सड़क पे आता, ना किसानों पे 50,000 से ज्यादा मुकदमे लगते, ना ये काले कानून आते, ना लखीमपुर खीरी में किसान सड़क पे आते और ना वो अपराधी टैनी अपनी गाड़ी से उनकी हत्या करता। इतनी 6 बार प्रधानमंत्री से भी मिलने का समय मांगा, नहीं दिया तो मैं क्या करूँ। पर कह दो सरकारों से कि हजूर आते आते बहुत देर कर, देश का गरीब मजदूर पिछड़ा सब महिलाएं बेटियां युवा बेरोजगार सब परेशान है। मोदी जी का एक वादा बता दो जो उन्होंने कहा और उस पर खड़े मतलब इतनी इच्छा क्या वो हमारी सुन रहा है? जहाँ सरकार रोकेगी वहाँ बैठ जाए। सरकार अगर नहीं मानेगी, सरकार तो ये भी नहीं मान रही थी कि बिल वापस लेंगे या, और अगर ये बिल नहीं आते तो 50,000 से ज़्यादा मुकदमे हमारे ऊपर नहीं लगेंगे। इस पर कौन बात करेगा? बिजली अमेंडमेंट पे कौन बात करेगा और पराली पे कौन बात करेगा? तो सरकार को सदबुद्धि आ गई हो तो संयुक्त किसान मोर्चा से बात करके इसको निपटा ले, वरना 1 जनवरी से एक दूसरा मुद्दा भी आ रहा है कि मोदी ने कहा था कि किसानों की आय 2022 में दुगनी करेंगे तो वो भी जुड़ जाएगा। लेकिन हरेंद्र जी आज फिर पत्थर लगवा दिया आपने रोडों पर, कोई बात नहीं, ये इनका काम है, इनका काम है लगाना, पत्थर हटाना, फिर लगाना, फिर हटा देंगे। धमकी देते हो या जाओगे भी? धमकी देते हो सरकार को आगे जाओगे? देखिए हमने कहा था कि हमारे 500 आदमी इस मोटर से जाएंगे 30 ट्रैक्टर, और जहाँ सरकार रोकेगी वहाँ बैठ जाएंगे। इस आंदोलन की खूबसूरती है कि 1 साल हो गया है ये शांतिपूर्वक आंदोलन चल रहा है और आगे भी शांतिपूर्वक। अब तो माफी मांग ली ना मोदी जी ने? हम भी मोदी जी से माफी मांग रहे हैं कि मोदी जी हमें माफ करो और दिल्ली की गुत्थी खाली करके अहमदाबाद चले जाओ। क्या वो हमारी सुन रहा है? जब वो हमारी नहीं सुनता तो हम ही उसकी कहां सुनेंगे? तो मौका मिलेगा जब चुनाव आएगा आपको खाली करवा देना कुर्सी, मौका मिलेगा आपको खाली करवा देना कुर्सी। वो चले जाएंगे कुर्सी खाली करके, हम भी अपने घर चले जाएंगे। लोग कह रहे हैं कि अब तो किसान राजनीति को कराए, उन लोगों से हम नहीं लगते कि हमारी लड़ाई सरकार से, तो हम सरकार की बात का जवाब देते हैं। आम नागरिक कोई क्या कह रहा है वो उसकी अपनी। आपको विश्वास नहीं मोदी जी की बातों पर? बोल दिया उन्होंने कि कानून वापस हो गए। आपको विश्वास है पत्रकार महोदय? नहीं हमारे विश्वास से क्या ना हो या ना हो, भारत के नागरिक है। 2017 में इसी मोदी जी ने कहा था मेरठ में कि 14 दिन में किसान के गन्ने का पेमेंट होगा, नहीं होगा तो ब्याज देंगे। क्या वो आज तक पूरा हुआ? तो युवाओं को 2 करोड़ रोजगार हर साल देंगे, क्या वो पूरा हुआ? क्या महंगाई कम हुई? मोदी जी का एक वादा बता दो जो उन्होंने कहा और उस पर वो खड़े। मतलब इतनी छवि खराब होगी प्रधानमंत्री की? जी हाँ, देखिए छवि खराब क्या क्यों नहीं हुई, कल जेवर एयरपोर्ट आए और तस्वीर चीन के एयरपोर्ट की जारी कर रहे हैं, तो ये जनता समझती नहीं। वो तो ग्राफिक्स था ना, तो ग्राफिक्स अपना बनाइए, दूसरों की नकल क्यों कर रहे हैं? अभी तो कह रहे हैं नकलची बंदर है, इन बंदरों से बच जाओ। नकल तो होती है ना, देखो कोई भी प्रोजेक्ट होता है तो नकल करने के लिए भी अकल चाहिए, वो अकल कहाँ से आएगी? खुश नहीं है आप जेवर एयरपोर्ट का शिलान्यास हुआ है? नहीं है, पहले उस किसान को उसका मुआवजा दो, जब जमीन का मुआवजा नहीं दिया तो उस पर शिलान्यास कैसा? वो तो कह रहे हैं लाखों लोग, और एक शिलान्यास को 2 बार कर रहा, जब महेश शर्मा उद्यान मंत्री था तब भी आया था, आज फिर आ गया तो क्या कर रहा? देश के जनता के पैसे की बर्बादी कर रहा। अब आगे क्या रहेगा आप लोगों का? आंदोलन जारी रहेगा जब तक संयुक्त किसान मोर्चा से सरकार की बात नहीं होगी। सरकार तो नहीं मानेगी आपकी बात? भैया ये तो आप पहले भी कहते थे कि काले कानून वापस नहीं लेगा ये मोदी है, हमने तब भी कहा था कि ये भारत का किसान है, ये पीछे हटना तो जानता ही नहीं, हमारे ट्रैक्टर में बैक गियर नहीं है, ये आगे जाते हैं। अच्छा हटा दिया हरेंद्र जी, झुकती है सरकारें, झुकाने वाला चाहिए, तो ये किसान देख लो ये झुका दिया। आज 1 साल हो गया किसान आंदोलन को, लेकिन अब शादियों का सीजन चल रहा है, लोग जो है शादी कार्ड छपा रहे हैं, बीजेपी वालों को बिल्कुल मना कर रहे हैं कि बीजेपी वाले शादी में ना पाए। अब ये इन्हें डूब के मरने की जगह है, क्यों ये कर रहे हैं? तो विरोध तगड़ा हो रहा है भाजपा वालों का, बहुत बड़ा विरोध होगा, जो जनता दुखी है, किस
किसान ही नहीं, देश का गरीब मजदूर पिछड़ा सब, महिलाएं बेटियां युवा बेरोजगार सब परेशान है। वो शांत है, वो वोट की चोट का इंतजार। सिर्फ कह रहे हैं कि ये किसान कानून है जो हम इनको भविष्य में ला सकते हैं, साक्षी महाराज ने भी कहा। देखिए हम जब देश के प्रधानमंत्री की भी बात मान रहे हैं तो ऐसे ऐसे तो जन कितने बोलेंगे। हरेंद्र ताऊ क्या लग रहा है, आंदोलन की वजह से कानून वापस हुए या चुनाव की वजह से वापस? देखिए हमारा तो आंदोलन जारी है, चुनाव से सरकारें डरती हैं और जनता का पर्व आता है। तो अब आप किसी भी चीज से मान लो, किसान से मान लो या चुनाव से मान लो, क्योंकि वोट भी तो किसान ही देगा, मजदूरी देगा। पर आंदोलन तो एक साल से चल रहा है, तब तो पीछे नहीं हटे ना, सरकार को एक साल लग गया। चलो कोई बात नहीं, देर आए दुरुस्त आए, पर कह दो सरकारों से कि हजूर आते आते बहुत देर कर। तो खेल तो नहीं खेल रही है सरकार आपके साथ? खेलने दो, ये खेल खेलेगी, गेम इसकी होगी तो हमारा होगा, इतना चाहे फेंक ले बल्ले पे लगेगी। अरे तो अगर सारी बात मान ले सरकार आपकी, तो क्या कुछ उसके बारे में सोचा जाएगा? मैं क्या कह सकता हूँ, मैं इनका वोट का ठेकेदार नहीं हूँ। पर आप तो समाजवादी हैं ना? कौन कह रहा? अखिलेश यादव के साथ आपकी तस्वीरें। क्या हो गया, आप रैलियों में भी जा रहे हैं, उनके घर पे भी जा रहे हैं? मैं तो आजाद समाज पार्टी के चंद्रशेखर जी के भी घर गया, मैं तो जयंत चौधरी जी के भी घर गया, मैं तो संजय सिंह जी के भी घर गया। मैं एक विकलांगों के लिए लड़ता हूँ, तो मुझे तो सबके पास जाना पड़ता है। मैंने तो इस ढोंगी बाबा से भी 8 बार मिलने गया, ये ना मिले तो मैं क्या करूँ। मैंने तो 6 दिन प्रधानमंत्री 6 बार प्रधानमंत्री से भी मिलने का समय मांगा, नहीं दिया तो मैं क्या करूँ। पर समाजवादी पार्टी में ज्यादा सक्रिय नजर आ रहे हो क्या? देखिए जो भी पार्टी बीजेपी को हराएगी मैं उसका खुल के समर्थन करूंगा, लेकिन चुनाव नहीं लड़ूंगा। क्या ढूंढ रहे हैं आप भी? मुझे क्या ठिकाना चाहिए, सबके पास जा रहे हैं ना आपको? क्या सबके पास जा रहे? देखो अब सबके पास जाऊं तो तवाई, ना जाऊं तो कौन सी पार्टी में जा रहा तो तवाई, कैसे मानोगे? लेकिन ताऊ बीजेपी वाले कह रहे हैं कि ये पोस्टर पे इन्होंने लिखा, हर बात में हर इंटरव्यू में कहा कि कानून वापसी घर वापसी। अब कानून वापस हो गया तो घर वापसी क्यों नहीं हो रही? एमएसपी पे गारंटी का कानून कौन देगा इनका पप्पा? जो 750-750 से ज्यादा किसान शहीद हुए हैं इस कानून की वजह से ही तो हुए। ना कानून आते ना किसान सड़क पे आता, ना 750 से ज्यादा किसान शहीद होते, ना ये काले कानून आते ना किसान सड़क पे आता, ना किसानों पे 50,000 से ज्यादा मुकदमे लगते, ना ये काले कानून आते ना लखीमपुर खीरी में किसान सड़क पे आते, और ना वो अपराधी टैनी अपनी गाड़ी से उनकी हत्या करता, तो जिम्मेवार कौन है? तो इसकी गारंटी क्या कि आप लोग वापस जाओगे अगर सारी बात भी मान ले सरकार आपकी? इसकी गारंटी कौन देगा अगर आपकी सारी बात भी मान ले सरकार? मुझे आपको बताने की पत्रकार महोदय कोई जरूरत नहीं है, मुझे जब सरकार बात करेगी सरकार से बात करेंगे, सारी बात हमसे ही पूछो, विकास सरकार से भी पूछ के। पीड़ित तो आप ही हो ना, आपसे पूछेंगे ना? पीड़ित तो आप ही हो ना, पीड़ित आप हो ना, तो पीड़ित है, हम पीड़ित हैं, हम सरकार से लड़ रहे हैं, सरकार से भी पूछ लो कि तुम सरकार में तुम्हें बैठाया था इन पीड़ितों ने, क्या इनकी बात क्यों नहीं सुन रहे? हाँ तो पूछ रहे हैं, जब मिल रहे हैं हमें, जब जहाँ मिलते हैं हम पूछते हैं उनसे किस बात को, तो पूछ लेते कि रक्षा मंत्री का बेटा दीवार कूद के क्यों भाग रहा है किसानों से डर के नोएडा में, ये भी पूछ लेते। तो इतना डर है किसानों का, अब लोग भाग रहे हैं। पूछ लेते प्रधानमंत्री से कि नोएडा में जिस जमीन पे तू खड़ा है किसान को कम से कम इसकी जमीन का मुआवजा तो दे दे, तभी खड़ा होना। ये सब अब मुख्य मांगे क्या है आपकी और कानूनों के अलावा? तीनों काले कानून वापस, वो तो हो गए वापस, एमएसपी पे गारंटी का कानून, 750 से ज्यादा किसानों की शहादत पर बात, 50,000 से ज्यादा मुकदमे और पराली का कानून, बिजली अमेंडमेंट और टैनी को बर्खास्त करके गिरफ्तार करके आगरा की जेल, और संयुक्त किसान मोर्चा से बात, ये मांग हो रहा है। 2022 में चुनाव है, क्या लग रहा है कुछ वापसी करेगी योगी सरकार? खदेड़ा होगा, खदेड़ा।